सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या घटना हुई है? 30 तारीख को हम पार्लर से लौट रहे थे, शाम के टाइम सौम्या ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, उधर से लौट रहे थे हम पार्लर से, और वहाँ से लौटते टाइम चौराहे पे हमारे साथ छेड़खानी की गई। एक बार पहले भी की गई थी हमारे साथ छेड़खानी, तो उसके लिए उनकी फैमिली में बोला था हमने, तो उन्होंने बोला था कि मोहल्ले का मैटर है और मत बढ़ाओ, ख़त्म कर दो, तो हमने छोड़ दिया था। और दोबारा से शिकायत की हमने उनके घर पे, तो फिर से है ना उन्होंने, उनके लड़के ने मारपीट करना स्टार्ट कर दी माँ लोगों ने, और हमने थाने में रिपोर्ट की, तो उसके बाद भी है ना कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद में। और तहसील गए हम, आज ये हुआ कि आज हम तहसील गए तो तहसील में छेड़खानी करने लगे और मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो आपके पास है। हाँ, शिकायत की है हमने पुलिस से, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज जो मारपीट हुई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप उनकी कौन हैं? हम उनकी पत्नी हैं। क्या मामला है पूरा? मामला ये हुआ है कि जो प्रिया है किशोरी की पत्नी, वो एक झगड़ालू टाइप की औरत है। उसका काम ये है कि मोहल्ला में किसी ना किसी से, हर व्यक्ति मोहल्ला में, हर घर में किसी ना किसी से उसकी लड़ाई होती रहती है, वो लड़ती है किसी ना किसी से, एक आध महीने, आप 10 दिन में 8 दिन में, वो लड़, उसको बस काम है कि लड़ना और पैसे चाहिए उसको, 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं तो वो शांत हो जाती है। और हम लोग अपने कमा दिखाते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा वाले लोग नहीं हैं ना, हम लोग लड़ाई झगड़ा। कल हम लोग कार्तिक पूजन के लिए परिवार में, कार्तिक नहाया बहू ने छोटी ने, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो बस वो गाड़ी निकल रहे थे भाई साहब, इतने में उसने आई और सीधे गाली गलौज करने लगी उल्टी सीधी। आज क्या बात? आज ये जो कल वो हुआ था, फिर सर पुलिस कहाँ से गई थी तो पूरा मामला शांत करवा दिया उन्होंने। फिर ये आज जो जमानत होनी थी वहाँ पे, तो जमानत हो रही थी तो उन चैम्बर में वकील साहब के बैठे थे, वो पीछे से आई और सीधे चप्पल से मारने लगी, 8-10 12 लड़के लेके आई थी गुंडे लोग, और गाली गलौज करने लगी। वकील लोगों ने करवाया कि भाई आप लोग लड़ाई यहाँ मत कीजिए, लड़ाई का नहीं है यहाँ पे, उनकी जमानत हो रही है, तो बस मारा पीटी स्टार्ट कर दी, तो उन लोगों ने मारा तो एक दो ने भी मार दिए। अब वो मारेंगे तो ऐसे थोड़ी ना कि कोई सामने वाला शांत रहेगा या सामने वाला चुप है तो वो कुछ नहीं कहेगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।